हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही क्यूट सी गणेश जी की मूर्ति बनाकर दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो कि बेबी गणेश रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा ये न्यू चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको लॉन्ग वीडियोस और मूर्ति की वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो हमने गणेश जी की बॉडी बना ली है बहुत ईजीली, और दोनों हाथ हम लगा रहे हैं फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप। एक हाथ हमने लगा दिया है, अब दूसरे हाथ को थोड़ा सा हम डिज़ाइन करके इसको भी लगा देंगे। अब सूंड लगा देते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे क्योंकि छोटा सा गणेश जी है, बेबी गणेशा। अब माथे के लिए मिट्टी यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छे से चिकना कर लेंगे हम पानी की हेल्प से और उंगली की हेल्प से। और छोटा सा गोल सा मिट्टी लेंगे और आंखों पे हम रख देंगे और अच्छे से इसको जोड़ देंगे। अब गाल जो है गोलू मोलू से हम बनाएंगे गोल गोल, तो हमने इसके लिए मिट्टी यूज़ की है। अब दूसरे साइड भी मिट्टी यूज़ करके इसको अच्छे से जो फिंगर होती है हमारी उसकी हेल्प से हम इसको एक सार मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये होममेड टूल है। यदि आप टूल की मेकिंग वीडियो चाहते हैं कि घर पे कैसे टूल बन सकता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके लिए टूल मेकिंग वीडियो लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। अब हमने आइज़ को बना लिया है। इस टूल से आइज़ बनाने में बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए आँख बनाना। सो हमने मिट्टी को चपटा कर लिया है और अब इसी से हम इनकी छोटी सी इन्हीं की तरह एक रज़ाई बना देंगे, कंबल जो भी आप बोलते हो वही हम बना देंगे। जितने बड़े ये हैं उतनी ही बड़ी। अब ऊपर भी हम अच्छे से इसमें थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे और बाल बना देंगे आगे की ओर। पतले पतले हम छोटे छोटे बारीक बारीक हेयर बनाएंगे मिट्टी के और लगा देंगे। अब ऊपर से डिज़ाइन बना देते हैं फ्रेंड्स कंबल की। मिट्टी की लंबी लंबी पतली पतली से कॉइल्स लेंगे और इस तरह से हम चिपका देंगे। सो फ्रेंड्स, टूल की हेल्प से हम इसको डिज़ाइन कर देंगे जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बहुत ही इजी तरीके से आपको डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। और यदि आप लोगों को वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को स्लो करके भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब एक एक करके हम उंगलियाँ लगा लेते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ मूर्ति बनाइएगा, वीडियो को स्लो करके रखिए और जैसे जैसे मैं बनाऊंगी मूर्ति आप वैसे ही देख के बनाइएगा। इससे आपको बहुत ही आसानी से मूर्ति को बना सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहां से आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है और क्या नहीं हो रही है। अब हाथ को अच्छे से हम वॉल्यूम देने के लिए थोड़ा सा मिट्टी लगा दिया है ऊपर की ओर और जोड़ दिया है। अब दांत बना देते हैं बहुत ही छोटा सा। सो फ्रेंड्स, मेकिंग वीडियो रेडी है। अब फटाफट से कलर कर लेते हैं। सो हमने क्रीम कलर यूज़ किया है और इसको बनाने के लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, पिंक कलर और वाइट कलर और हल्का सा इसमें हम येलो कलर यूज़ करेंगे जो कि बॉडी के लिए बन जाएगा हल्का सा क्रीम कलर। और जो इनकी जो कंबल है उसको हमने कलर करने के लिए सिंपली लाइट पिंक कलर यूज़ किया है जो कि हमने वाइट कलर में पिंक कलर मिलाया है। अब आँखों के ऊपर भी हम पर्ल कलर से पिंक कलर की शेड कर देंगे और हेयर को हम ब्लैक कलर से कलर कर देंगे फ्रेंड्स। ये कलर बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर में येलो कलर और वाइट कलर यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, हमने जो बीच में टूल की हेल्प से डिज़ाइन बनाई थी उसमें हम जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है जो कि डार्क पिंक कलर है, हम उससे शेड कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे।
और ऊपर हमने वाइट कलर का पर्ल कलर यूज़ कर दिया है पूरी बॉडी पे, और पिंक कलर का जो पर्ल कलर है उसको हम इनकी चादर में यूज़ कर देंगे, और नीचे हम वाइट कलर यूज़ कर दिया है हमने। अब आइज़ को बना लेते हैं फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से। ब्लैक कलर लिया है हमने सिंपली, और बहुत ही पतला ब्रश यूज़ करेंगे आँखों को बनाने के लिए। आँखों की पलके भी बना लेते हैं फ्रेंड्स। अब आईब्रोज बना लेते हैं। थोड़ा सा फेल गया था जो कलर था मेरा, तो इसीलिए मैंने थोड़ी मोटी आइज कर दी है। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, सॉरी ब्लू आईज हमने बना दिए। अब माला पहना देंगे फ्रेंड्स, फेविकोल की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। और अब हम बाजूबंद पहनाने के लिए फेविक्विक यूज़ करेंगे। हाथ में ना चिपके इसीलिए हम कोई भी लोहे का औजार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सीज़र को यूज़ किया है, टूल भी यूज़ कर लिया है मैंने, जो हाथ में आ गया मैंने उसी को यूज़ कर लिया है चिपकाने के लिए। अब कलाई की और भी हम नग वाली एक चेन पहना देंगे कंगन की तरह। इसको भी हम फेविक्विक की हेल्प से चिपका देंगे फ्रेंड्स। हाथ में ना चिपके इसीलिए हम टूल यूज़ कर रहे हैं कोई भी। अब सून के ऊपर हम एक फेविकोल से लंबी सी लेयर बना के, और देखिए फ्रेंड्स हमने नग लगा दी है लाइन से। फाइनल लुक बन के रेडी है फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आप कहाँ से हैं मुझे ये कमेंट ज़रूर कीजिए।